नमस्कार दोस्तों, 6 फरवरी 2023 सुबह के 4:17 हुए थे और तुर्की में आता है एक बहुत बड़ा मेजर भूकंप जिसकी तीव्रता थी 7.8। ऐसा ही भूकंप 2015 में नेपाल में भी आया था। 12 फरवरी तक तुर्की के इस भूकंप में 26,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ ही करीबन 7,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स ढह चुकी हैं, जो कि सिर्फ मिनटों में राख का ढेर बन गई। इस भूकंप ने नेपाल के 2015 के भूकंप की याद दिला दी, साथ ही साथ एक मिरिकल बॉय सोनी की भी याद दिला दी जो कि नेपाल से थे, और उस महज 5 महीने के बच्चे की जान कैसे बची वो अपने आप में एक मिरिकल था। और एक ऐसा ही मिरिकल तुर्की में भी देखने को मिला, और आज नेपाल के उस मिरिकल बॉय साथ ही साथ उनकी फैमिली तुर्की के उस मिरिकल बॉय के साथ रिलेट कर पा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की सरकार ने तुर्की के लिए मदद भेजी है, जिसमें बहुत सारी मेडिकल टीम, साथ साथ दवाइयाँ और बहुत सारा टेंट से लेकर और सारी चीज़ों का सामान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप नेपाल में भी आया था, और तुर्की और नेपाल के भूकंप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी भी हम बात करेंगे। साथ ही क्या वो कारण रहा कि तुर्की में सेंचुरीज के बाद इतना बड़ा भूकंप आया, जानेंगे इसके पीछे की पूरी जियोलॉजी और साइंस को। साथ ही जानेंगे कि ऐसा जमीन के नीचे क्या होता है कि 7.8 मैग्नीट्यूड का इतना बड़ा विशाल भूकंप आता है, जो कि नेपाल और तुर्की दोनों के लिए सेम है। साथ ही डिटेल में जानेंगे नेपाल और तुर्की के मिरिकल बॉयज को, साथ ही जानेंगे पूरी साइंस को कि तुर्की में कहां पर भूकंप आया। तो तुर्की के लिए प्लीज ये कमेंट जरूर लिखिएगा #SaveTurkey, जिससे और कंट्रीज तुर्की के साथ खड़ी हो सके। तो मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी नीचे कमेंट लिखिए। और आप में से 80% और वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरी गुजारिश है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा लीजिए। दोस्तों 1999 में तुर्की में एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें 17,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन 2023 का ये भूकंप और ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि अभी तक की 26,000 से ज्यादा लोगों की कन्फर्म डेथ की खबर आ चुकी है और ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग लापता हैं। 85,000 से ज्यादा लोग घायल हैं इस अर्थक्वेक के चलते, 7,000 से ज्यादा बिल्डिंग इससे अफेक्ट हुई हैं। कुछ ऐसा दिखने वाला तुर्की अब कुछ ऐसा खंडर बन चुका है। तो 2023 के इस भूकंप में ज्यादा लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि ये 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था, जो कि पहले से ज्यादा तेज था। साथ ही साथ ये सुबह के 4:17 पर हुआ था। इस समय पे ज्यादातर लोग अपने घरों पर सो रहे थे। साथ ही साथ तुर्की में इस समय ठंड का मौसम है, तापमान करीबन 1°C था, तो लोग प्रीफर कर रहे थे कि घर में ही रहेंगे, जिसके चलते काफी ज्यादा लोगों की जान गई है इसमें। दोस्तों साथ ही इस भूकंप का एपी सेंटर था, यानी कि केंद्र था तुर्की का गजियांटेप शहर, जो कि काफी डेंस सिटी है और वहां पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और भूकंप का केंद्र भी वही था, जिसके चलते काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ उस शहर में। और ये भूकंप के झटके तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में भी पाए गए, जहां पर भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों 4 के भूकंप के बाद भी करीबन 12 में 3 और बड़े आफ्टर शॉक देखने को मिले, जो कि आमतौर पर बड़े भूकंप के आने के बाद आते हैं, और ये आफ्टर शॉक भी 6 के ऊपर ही थे। और ये भूकंप अभी रुका नहीं था, क्योंकि एक और भूकंप आता है 7.5 का, जो कि उस पहले भूकंप से नॉर्थ की साइड में 96 दूर आता है, जो कि 7.5 का एक बड़ा भूकंप आता है, जिसके चलते तुर्की के एक और एरिया में और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और आपको बता दें कि अभी तक की तुर्की में 12 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू के काम को भी बाधित कर रहे हैं, क्योंकि भूकंप ज्यादा तेजी से आ रहा है। तो आखिरकार तुर्की में इतने विशाल भूकंप क्यों आ रहे हैं, साथ साथ इतने सारे आफ्टर शॉक्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ बड़ी हलचल चल रही है जमीन के नीचे, जिसको बताते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट, हमारे साइंटिस्ट। और कुछ इतनी ही तीव्रता का भूकंप हमें नेपाल में भी देखने को मिला था, लेकिन वहां पर हमको इतने सारे आफ्टर शॉक्स देखने को नहीं मिले थे। लेकिन इन अर्थक्वेक के पीछे मोटा मोटा कारण तो यही होता है कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो रहा है। नेपाल में भूकंप का कारण नेपाल का लैंड, साथ साथ जो इंडियन प्लेट है उसके यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ये भूकंप ज्यादातर आते हैं, और ये लगातार हर दिन कुछ सेंटीमीटर टकरा ही रही है, जिसके चलते भूकंप आने की स्थिति ज्यादा बनती है। लेकिन नेपाल की इस पूरी मूवमेंट का एक डिटेल वीडियो मैं दूसरी वीडियो में जरूर दूंगा। अभी आपको बता दूं कि तुर्की में भी प्लेट्स मूवमेंट हो रहा है, लेकिन तुर्की का प्लेट मूवमेंट काफी ज्यादा अलग है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो बन रहे हैं और काफी ज्यादा बड़ा भूकंप आ रहा है। और बीते 100 में तुर्की में इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है। दोस्तों तुर्की का जो हिस्सा है वो 3 से घिरा हुआ है, जो कि अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, साथ ही साथ यूरेशियन प्लेट।
यूरेशियन प्लेट ऊपर से है, अरेबियन प्लेट ईस्ट साइड से, साथ साथ अफ्रीकन प्लेट वेस्ट साइड से, और ये तुर्की एक जंक्शन है इन तीनों ही प्लेट्स का। और तुर्की का एक जो बड़ा हिस्सा है वो अपने आप में एक अलग प्लेट है जिसको एनाटोलिया प्लेट कहते हैं। और यहाँ पर इन प्लेट्स की जो यूनिक फॉर्मेशन है वो काफी खतरनाक है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ पर प्लेट्स ग्राउंड के हिस्सों को कहा जाता है। आपको बता दें जो पहला भूकंप तुर्की यानी कि टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड का आया, जो कि गाजींटेप में ग्राउंड से 18 किलोमीटर नीचे आया। और आपको बता दें कि तुर्की के उस एरिया में दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं, और ये गाजींटेप जो कि सिटी है वो दो प्लेट के मीटिंग पॉइंट पर ही बनी हुई है, जो कि एनाटोलिक प्लेट और अरेबियन प्लेट के मीटिंग पॉइंट है। और सरल भाषा में बोले तो ये जमीन के दो टुकड़े यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट एक बड़े रॉक स्लैब की तरह होती है, जो कि हमारी धरती की सतह से 16 किलोमीटर से लेकर 257 किलोमीटर तक होती हैं, और ये प्लेट्स हमेशा स्लोली स्लोली मूव करती रहती हैं। दोस्तों तुर्की यानी कि टर्की का मोस्ट पार्ट आता है एनाटोलिया प्लेट्स में, जो कि एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है, और इसे एक माइक्रो प्लेट भी कहा जाता है। और ये प्लेट काफ़ी प्रेशर में है, और इसी के चलते यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। अभी ऐसा क्यों है आपको बता देते हैं, क्योंकि इस प्लेट को ईस्टर्न साइड से ऊपर की तरफ धकेलती है अरेबियन प्लेट, साथ साथ इस एनाटोलिया प्लेट को ऊपर से धकेलती है यूरेशियन प्लेट, साथ ही साथ इसको अफ्रीकन प्लेट ऊपर की ओर धकेलती है और मूव कराती है, जिसके चलते इस प्लेट पर तीन तरफ से प्रेशर लगता है। और जहाँ पर ये प्लेट्स मिलती हैं वहाँ पर भूकंप आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा, जो इस भूकंप के मेन केंद्र थे वो उन्हीं जगहों पर आए थे जहाँ पर ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, क्योंकि ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही, और इनके बीच में होता है फ्रिक्शन। और कभी कभी एक सर्टेन टाइम बाद ये फ्रिक्शन कम होके एकदम से मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा भूकंप आता है। और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इतने बड़े तीव्रता के भूकंप के लिए करीबन 160 किलोमीटर का स्ट्राइक स्ट्रिप फॉल्ट हुआ है, यानी कि जमीन खिसकी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा भूकंप आता है। और यही एक बड़ी वजह रही है कि तुर्की यानी कि टर्की में इतना बड़ा भूकंप आया है। तो जैसा कि नेपाल में भी 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और नेपाल का बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। लेकिन उसी डिस्ट्रक्शन में एक मिरिकल बॉय की भी बात हुई थी, जिनका नाम था सोनी। वो मिरिकल बॉय उस समय महज 5 महीने का था, और उनकी माँ उस समय बाहर गई थी, उनके साथ उनकी फैमिली के कुछ मेंबर थे, साथ ही उनकी मौसी के दो बच्चे भी थे। और जब सोनी की मदर बाहर होती हैं तभी भूकंप आता है और उनका घर पूरा ढह के गिर जाता है, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलने लगते हैं, जिसके बाद पाया जाता है कि उस घर में मौजूद सभी लोगों की, सभी बच्चों की जान चली जाती है, सिर्फ सोनिक को छोड़ के, जो कि महज 5 महीने का था। और इसको एक मिरिकल ही माना जा सकता था कि वो बड़े लोग नहीं बच पाए, लेकिन वो 5 महीने का बच्चा बच गया। और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हमको तुर्की में भी देखने को मिला, जहां पर एक जस्ट पैदा हुआ बच्चा जो कि अपनी मदर के अम्बेरिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, वो जिंदा बच गया और उसकी फैमिली के सभी लोगों की डेथ हो गई। वो बच्चा उस समय ही जस्ट पैदा हुआ था, और उसके बाद भी उसकी जान रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बचाई गई। लेकिन दुखद खबर ये थी कि उसकी मदर, फादर, साथ साथ उसके भाई बहन सबकी डेथ हो गई। और आज सोनिक और उनकी मदर टर्की के इन भूकंप के विजुअल्स अपने मोबाइल फोन्स पर देख रही हैं, और उनको 2015 के उस समय की याद आ गई जिसमें नेपाल में कई लोगों ने जान गंवाई थी, और उनके साथ भी एक खौफनाक मंजर हुआ था, और वो भी ये चाहते हैं कि ऐसा मंजर कभी और ना आए और जल्दी से जल्दी लोगों को बचाया जाए। तो प्रे करते हैं हम लोग कि सभी लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हुए। उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #SaveTurkey। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। धन्यवाद NI News।